हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत किया जाता है एक और नए वीडियो में। रात की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना। एक बार फिर से हम रात की प्रार्थना के साथ उपस्थित हुए हैं। पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जो यीशु मसीह ने हम सभी को संभाल के रखा है, जीवित रखा, सुरक्षित रखा है। मेरे प्रियजनों, अपने पंखों के आड़ में छिपा के रखा है प्रभु ने, इसके लिए पिता का धन्यवाद देंगे। ठीक है मेरे प्रियजनों, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो यीशु मसीह को नहीं जानते होंगे, जो मर गए होंगे, जो अपने माता पिता से, भाई बहनों से, घर मोहल्लों से बिछड़ गए होंगे। मेरे प्रियजन, धन्यवाद दीजिए उस परमेश्वर का जो यीशु मसीह ने हम सभी को इस संसार से चुना है, चुन लिया है, चुन कर अलग कर दिया है। मेरे प्रियजनों, इसके लिए प्रभु यीशु मसीह का हम सभी लोग धन्यवाद देंगे। ठीक है, ऊंचे स्वर से परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। ठीक है, क्योंकि वही महिमा करने की योग्य है, तारीफ करने के योग्य है, स्तुति प्रशंसा बड़ाई करने की योग्य है। उसी के द्वारा हम सभी को जीवन मिला है, अनंत काल का जीवन दिया है परमेश्वर ने। परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और यह अनंत जीवन उसके पुत्र में है, यीशु मसीह में है, परमेश्वर में है। मेरे प्रियजन, यीशु मसीह ने इतना दुख, इतनी दर्द, इतनी पीड़ाएं यीशु मसीह ने सिर्फ हम सभी के लिए ले लिया। जो सजा हम सभी मानव जाति को मिलने वाली थी, वो सजा यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया हमारा परमेश्वर, और कलवरी क्रूस पर चढ़ गया और बलिदान हो गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। मेरे प्रियजनों, वह जीवित परमेश्वर है, जिंदा परमेश्वर है, राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है। उसके मुख पर थूका गया, उसके हाथों पैरों कीलें ठोकी गई, उसके मुख पर थूका गया, उसकी दाढ़ी नोची गई, उसे सिरका पिलाया गया, उसे 39 कोड़े लगवाए गए। मेरे प्रियजनों, उन 39 कोड़ों के साथ उसका मांस तक खींचकर चलाता था। इतनी दर्द, इतनी पीड़ाएं यीशु मसीह ने सिर्फ हम सभी के लिए लिया। हम सभी का जो पाप था, जो गुनाह थे, जो बोझ था, यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया और हमारा परमेश्वर बलिदान हो गया। खुद परमेश्वर बलिदान कर दिया, अपने आप को रख नहीं छोड़ा हमारा प्रभु, सिर्फ और सिर्फ हम सभी के खातिर, कि हम सभी दोषी न ठहरे, हम पापी न ठहरे, हमारे पाप क्षमा हो जाए, अनंत काल का जीवन मिल जाए। मेरे प्रियजनों, आज ऐसे बहुत सारे लोग हुए हैं जो आज भाई भाई का कत्ल कर डालते हैं धन दौलत के चक्कर में। तो जरा सोचो, आपके लिए कौन लहू बहाएगा, कौन कोड़े खाएगा, कौन मार खाएगा, कौन अपने मुख पर थुकवाएगा, कौन अपनी डाली में चुआएगा, कौन अपने हाथों पर में कीलें ठुकवाएगा? सिर्फ एक वही एकमात्र परमेश्वर यीशु मसीह, जो मनुष्य का रूप धारण करके इस पृथ्वी पर आया, दुख तकलीफ में 30-32 साल की आयु में उसने गुजार दिया हम सभी के खातिर। उस परमेश्वर का धन्यवाद देंगे, ऊंचे स्वर से उस परम प्रधान का हम सभी लोग धन्यवाद देंगे, क्योंकि वह महान है। जो कोई उस पर विश्वास करता है, उसका सरना गात है, जो उसके नीचे श्लोक शरण लेते हैं, वह महान परमेश्वर है। यीशु मसीह अपने भेड़ों को अच्छी अच्छी चराइयों में लेकर जाता है, ताकि उसकी भेड़ें अपना पेट भर सके, अच्छा अच्छा चराइयों में चर सके। ठीक है मेरे प्रियजनों, यदि आप दुख में हैं, तकलीफ में हैं, समस्याओं में हैं, गरीबी में हैं, बीमारी में हैं, उदासी में हैं, बेचैनी में हैं, डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, यदि आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, अपने हालातों से टूट चुके हैं, आपके परिवार में लड़ाई झगड़ा होता है, शैतान काम करता है, दुष्ट काम करता है, तो आज आपको परमेश्वर से बताना है, आज आपको यीशु मसीह से बोलना है। वो इतना महान परमेश्वर है, इतना दयालु परमेश्वर है, आपके आंसू को पोछेगा, आपकी गरीबी को, आपकी तंगी को, आपकी परेशानी को हमारा परमेश्वर जड़ से खत्म करेगा, जड़ से खत्म करना परमेश्वर है। वह राजाओं का राजा है। आपके जीवन में हमारा परमेश्वर हुक्म करेगा, आदेश देगा, आपके जीवन में वैसा ही हो जाएगा। हम सभी को विश्वास करना है, दिखाने वाला विश्वास नहीं, परमेश्वर पर विश्वास होना चाहिए, पूरे हृदय, पूरे मन से, प्राण से विश्वास होना चाहिए। यीशु मसीह का वचन कहता है, मनुष्य को यीशु मसीह के पास आने के खातिर उसे विश्वास करना होगा कि परमेश्वर है हमारे जीवन में, हमारा प्रभु काम करना परमेश्वर है, वो हमारे जीवन में काम करेगा हमारा प्रभु। इस प्रार्थना को आंख बंद करके सुनना है, विश्वास से सुनना है, लास्ट में आमीन बोलकर रिसीव करना है। ठीक है, चलिए प्रार्थना को स्टार्ट करते हैं। हालेलुया, हालेलुया,
सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके नाम की स्तुति हो, आपके नाम की तारीफ हो, आपके नाम की जय जयकार करते प्रभु। मेरे पिता महान प्रभु, आप दयालु हैं पिता, आप करुणानिधि परमेश्वर पिता, आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभु के प्रभु हैं, आप सेनाओं के यहोवा हैं, आप सृष्टिकर्ता मालिक हैं मेरे पिता। मेरे प्रभु, जो आपने मेरे पिता हम सभी को प्रभु जूतों के बीच में पिता जीवित रखा है, संभाल के रखा है, सुरक्षित रखा है, अपने पंखों की आड़ में छिपा के रखा है मेरे प्रभु, इसके लिए पिता आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं पिता। मेरे प्रभु, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे पिता जो मर गए होंगे पिता, जो अपने माता पिता से, भाई बहनों से, घर मोहल्लों से वे बिछड़ गए होंगे पिता, वे कैसे स्थान पर चले गए होंगे पिता जहाँ की आग नहीं बुझती है, जहाँ के कीड़े नहीं मरते हैं पिता, जो आपने मेरे पिता हम सभी का प्रभु नाम लेके बुलाया है, उद्धार किया है, छुटकारा किया है, एक अनंत काल का जीवन पिता आपने दिया है प्रभु, इसके लिए पिता आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। मेरे पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। मेरे पिता, आपने कहा है तुमने मुझे नहीं चुना है परंतु मैंने तुम्हें चुना है, तेरा नाम लेके बुलाया है पिता, आपने कहा है मैंने तेरा नाम लेके बुलाया है, पुकारा है, तुम मेरा ही है प्रभु, इसके लिए पिता आपका धन्यवाद करते हैं पिता, जो आपने हम सभी को माता के गर्भ से ही चुना है प्रभु, इसके लिए पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। यस हालेलुया 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 हालेलुया, धन्यवादेशु धन्यवादेशु धन्यवादेशु, पवित्र 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 पवित्र, आप राजाओं के राजा है, प्रभु के प्रभु पिता। प्रभु हम प्रार्थना करते पिता उन मसीह भाई बहनों के लिए पिता जो बीमार है पिता, जो कैंसर है, जिनके गिल्टिया रसोलिया पथरिया अन्य प्रकार की बीमारियों में लिप्त है पिता, ये तमाम इलाज दवाई करा चुके पिता, नहीं चंगे हो रहे हैं, ये नहीं आजाद हो पाने, प्रभु हम चाहते हैं पवित्र आत्मा सच में प्रभु आप इन्हें आजाद कर दीजिए, यदि आप इन्हें आजाद करेंगे, इन्हें चंगाई देंगे, हीलिंग देंगे, छुटकारा देंगे, तो ये सच में छुटकारा से रिलीज हो जाएंगे पिता, आजाद हो जाएंगे, आजादी को रसीब करो बोलकर अमीन, आजादी को रसीब करो बोलकर अमीन, आजाद हो जाओ बोलकर अमीन, आजाद हो जाओ बोलकर अमीन, हालेलुया हालेलुया, धन्यदेशु धन्यदेशु, पवित्र 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 पवित्र। मेरे प्रभु आपका वचन कहता है जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा। मेरे पिता प्रभु आपके नाम से मांगते पुकारते सच में प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर पिता यीशु मसीह के नाम से पिता ये मसीह बहन चंगे हो जाए चंगे हो जाए, आजादी को रसीब कर बोल कर आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया, धन्यवाद यीशु मेरे पिता जो हम सभी मसीह भाई बहनों से प्रभु पाप गलती गुनाह हुआ है प्रभु अब माफ़ करिए पिता, आप क्षमा करिए प्रभु, क्योंकि आप ही के पास क्षमा का अधिकार है, आप ही क्षमा के योग्य हैं, आप हम सभी के पापों को गुनाहों को अधर्मों को क्षमा कर सकते हैं प्रभु, अपने लहू से शुद्ध करिए पिता, हम सभी मानव जाति हैं पिता, हम निर्बल हैं पिता, पापों में गुनाहों में गलतियों में गिर सकते हैं प्रभु, हम माफ़ करिए पिता, कृपया क्षमा दान कीजिए प्रभु। हालेलुया प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं पिता जिन घर में लड़ाई झगड़ा होता है पिता, लड़ाई झगड़े से लिप्त हैं घर द्वार पिता, प्रभु हम चाहते पिता जिनके जीवन शैतान पिता काम करता गंदी दुष्टता में बद्रोही आत्माएं काम करती हुए निकल जाए उनके जीवन से निकल जाए, हुक्म करते हैं मसीह के नाम से वे जल जाए अंधकार की शक्तियां बंधन पिता, जिनके घर में करा धर के बंधन जय दुर्टना के बंधन पिता, पिता हर एक बीमारी समस्या डाल के रखी पिता, प्रभु हम चाहते पिता आजाद हो जाए आजाद हो जाए मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवादेशु धन्यवादेशु मेरे पिता, प्रार्थना करते पिता जो मसीह भवन पिता रात में नहीं सो पाते हैं, जिन्हें डर लगता भय लगता प्रभु जब लेटे पिता तब ने सुखी नींद नहीं पाए प्रभु, जैसा कि आपका वचन कहता है जब तू लेटेगा तब तू भय न खाएगा, जब तू लेटेगा तब तुझे सुख की नींद आएगी, अचानक आने लगे से डर रहता पिता, मुझे आशा विश्वास है पिता अपने प्रार्थना को सुना है पिता, ये छोटी सी विनती उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिएगा आमीन।